अभी हमने जो है NRC और CAA और NPR के जो विरोध में हमने अहमदनगर शहर के अंदर एक महामोर्चा निकाला था, जिसमें अहमदनगर के ज़िलों से लोग उस प्रोटेस्ट में शामिल हुए थे और बहुत कामयाब बनाया था। पूरा मन था, शांतिपूर्ण था और उन लोगों ने उसको बढ़ चढ़कर अपनी मर्जी हिस्सा लिया और अच्छा प्रोग्राम लागू नहीं करेंगे। वो हिसाब से आज जो हमको सुनाई दे रहा है कि महाराष्ट्र में यहाँ की जो सरकार है वो 1 मई से NPR लागू करने वाली है। शाहीन बाग अहमदनगर में हम इसलिए 3 दिन का कर रहे हैं 16, 17, 18 को, कि जो वहाँ की जो औरतें हैं जिनको NPR, NRC और CAA ये मालूम नहीं है, उनको पता नहीं है, उनको एक तरबियती कैंप के हिसाब से हम 3 दिन का शाहीन बाग कर रहे हैं कि भाई ये जो गवर्नमेंट ने जो ये हमारे पर ये कानून नाफिज किया है और जिसमें हमको मुस्लिम को शामिल नहीं किया है और अदर कम्युनिटी को लिया है, तो ये क्या चीज़ हमको नुकसान होगी और क्या आने वाले वक्तों में हमें कितनी तकलीफ होगी। और जो NPR का जो कॉलम है जिसके अंदर इन्होंने ऐड किया है, जैसे प्रॉपर्टी है और उसके अंदर कॉलम के अंदर जो है आपको आधार कार्ड नंबर देना पड़ेगा और अगर एक जो टीचर रहेगा वो आपके पास से ओके करके लेकर जाएगा, जो स्कूल का सरकारी टीचर रहेगा वो ओके करके लेकर जाएगा, लेकिन वो जब जाके वो ऑफिसर को देगा तो ऑफिसर जो उसको अगर डॉट फुल कर दिया तो वो खुद आधार कार्ड देने वाले को ये पता नहीं होगा कि उसका जो आधार कार्ड है वो डॉट फुल में चले गए, कि भाई अपने बाप दादा का जो है दाखिला आप सबमिट करो। अब बताइए कि किसको कौन से बाप दादा का दाखिला किसको क्या मिलेगा, अगर हमने नहीं दिया फिर हमको डिटेंशन का नोटिस आ जाएगा। इसलिए हम लोग जो है सब लोगों को समझा रहे हैं कि हमको कागज़ नहीं बताना है, चाहे हमारे पे वो जुर्माना ऐड कर दे या जेल भरो आंदोलन हमको करना पड़े, लेकिन हमें कागज़ नहीं बताना है। 16, 17, 18 जी अहमदनगर शहर में रहमानिया कॉम्प्लेक्स फकीरवाड़ा, वहाँ पर